आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारे बीच का एक हमारा भाई अमन बैसला जो कि ग्राम डगरपुर का मूल निवासी था, भाई प्राणी बहरा था। भाई के साथ जो कुछ हुआ वो जातिगढ़ सभी भाइयों को पता है, किसी भाई को नहीं पता था। एक बार मैं फिर एक भाई को सभी को बता देता हूँ कि हमारा भाई दिल्ली में रह रहा था। भाई एक अच्छा बिजनेस कर रहा था। भाई को एक लड़की ने अपने उसमें फंसाया प्रेम जाल में, जिसमें उसका जो लड़की का साथी था सुमित गोस्वामी, जिसकी वो रखेल थी नैया जिंदल, भाई से रुपया ऐंठती रही, कभी 2.5 लाख कभी 5 लाख। जब भाई से रुपया मांगकर उसका काम चलता रहा, बोलती थी मेरी मम्मी बीमार है, मेरा पापा बीमार है। जब भाई ने रुपया मांगने की भी डिमांड रखी तो भाई को बुलाकर सुमित गोस्वामी ने और उसकी रखेल नैया जिंदल ने भाई को बुलाकर टॉर्चर किया। रात दिन फोन करके टॉर्चर करते थे। भाई की एक स्थिति ऐसी आ गई कि भाई के वो रेप केस लगाने लगी, कभी कुछ बोलने लगी। आखिर में भाई ने परसों सुसाइड कर लिया, जो बहुत निंदनीय घटना है हमारे समाज के लिए। मैं आप सभी समाज के जितने भी मेरे प्यारे भाई हो सभी अपील करता हूँ कि भाई को सभी न्याय दिलाने के लिए मदद करें। जैसा हमारा समाज सबके साथ खड़ा होता है, ऐसी मैं अन्य 36 राज्यों से अपील करता हूँ सभी समाज के साथ खड़े होकर भाई को न्याय दिलाएं। और सुमित गोस्वामी और उसकी रखेल नैया जिंदल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज हम सब भाई एकत्रित हुए इस चर्चा को लेकर कि आगे क्या करना है, पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है, नहीं कर रही। अभी हमारी बात हुई है, रिपोर्ट तो हो गई है, परिवार से बात हुई है, रिपोर्ट तो दर्ज करा दी गई है, लेकिन अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसका भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो एक दिन भाई हम सभी फिर के एकत्रित होकर उस वहाँ चलेंगे, भाई रोहिणी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है उसको देखते हैं, नहीं तो सारे एकत्रित होकर सब भाई रोहिणी चलना पड़ेगा सभी भाइयों के। और भाई जो भी डेट होगी हम डिसाइड करके सभी भाई डेट बता देंगे एक दिन कि कब चलना है, किस तारीख को, किस समय। सारे भाई एक सोनू बेवला है भाई हमारा, सोनू बेवला से भाई ये भी अपनी दो बात रखे भाई सभी भाइयों को मैं राम राम। भाइयों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे भाई अमन बैसला जो कि डगरपुर से है, भाई गुर्जर है, और इस हमारे क्षेत्र में परिवार में बहुत बड़ी क्षति हुई है कि भाई ने ऐसा कदम उठाया। लेकिन इस कदम उठाने के लिए सुमित गोस्वामी और नैया जिंदल ने उसे मजबूर कर दिया था। उस पर दुनिया भर के आरोप लगाए गए, उससे पैसा लिया गया, और पैसे जब उसने वापस मांगे तो उस पर दुनिया भर की बातें आरोप, इसलिए समझ लो उसको इतना टॉर्चर किया गया कि हमारे भाई को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया, उसको इतना हैरेसमेंट कर दिया कि वो समझ नहीं पा रहा था क्या करे। तो उसने अपनी जो कुछ बातें थी जो प्रूफ सब चीज छोड़ करके गया है, सब लोगों से शेयर भी करी है, और हमारे सारे गुजर समाज को ये बात से अवगत कराया कि उसके साथ साथ क्या घटना घटी। भाई को अपने परिवार की इज्जत का बहुत ज्यादा डर था, भाई डर गया था और बहुत ज्यादा उसमें डिप्रेशन में आ गया था, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली। लेकिन उसके सबसे बड़े जिम्मेदार यानी कि सुमित गोस्वामी, नैया जिंदल जो भी उसका धंधा था, नैया जिंदल पता लगाया कि वो बहुत दुनिया भर की चीजें करती थी, और नैया जिंदल का यही काम था और सुमित गोस्वामी उसका पार्टनर था, वो उसके पैसे ऐंठते थे, उन लोगों का यही धंधा बन चुका था एक प्रकार से। तो मैं आप सभी भाइयों से, जो मेरे छोटे बड़े, मैं सभी से चाहता हूँ कि भाई अमन बैसला को न्याय मिले, इसके जितना हो इतना सपोर्ट करे, और जितना हो सके आप सभी सहयोग करे। ये हमारी आवाज दिल्ली तक गूंजनी चाहिए, उत्तर प्रदेश तक गूंजनी चाहिए, जिससे कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और उन्हें जेल जाए और दोनों को फांसी हो। धन्यवाद।